हेलो व्यूअर्स, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। श्राद्ध पक्ष में ऐसी कौन सी तो चीज़ है जिसका सेवन पितृ नहीं करते हैं? श्राद्ध के भोजन में, ब्राह्मण के भोजन में उसका प्रयोग नहीं होता है। अग्नि पुराण, पद्म पुराण, गरुण पुराण तीनों में ये लेख मिल जाएगा कि श्राद्ध पक्ष में कौन सी दो चीज़ें जिसका सेवन पितृ नहीं करते हैं। पहला होता है कुमड़ा। कुमड़ा वो होता है जिसका पेठा बनता है, तो कुमड़े से बनी जो चीज़ें होती हैं वो श्राद्ध पक्ष के भोजन में नहीं प्रयोग में लाई जाती हैं। गर्ग संहिता यहाँ तक ये भी कहती है कि दो चीज़ें और हैं जो कि नमक और अचार, वो भी ब्राह्मण की थाली में ना रखें। हाँ, आप अलग कटोरी में रख सकते हैं नमक और अचार, यदि उनको चाहिए होगा तो ले लेंगे, बट जो आप ब्राह्मण की जो थाली लगाते हैं उसके अंदर ना रखें। दूसरी होती है भैंस का दूध। भैंस के दूध से बनी हुई चीज़ें भी श्राद्ध पक्ष में जो खाना बनता है, भोजन बनता है, उसमें नहीं बनाया जाता है। गाय का दूध यूज़ कर सकते हैं। उसके पीछे कहानी है, यमराज पाड़े पर बैठता है भैंसे पर, और जब पितरों के लोग से पितरों को ले जाया जाता है तो पितरों के देवता होते हैं जिनका नाम है आर्यमा स्वामी, वो कौए पर बैठा कर उन्हें दरवाजे तक लेके जाते हैं। तब उन्हें बीच मार्ग में यमराज मिलते हैं और यमराज आर्यमा स्वामी को प्रणाम करते हैं, आर्यमा स्वामी जो कि पितरों के देवता हैं। तब आर्यमा स्वामी कहते हैं, यमराज यहाँ कैसे आना हुआ? तब यमराज कहते हैं, पितृ लोग भूमि पर जाएंगे, सब अपना अपना भाग ग्रहण करेंगे। जिस भैंस पर मैं बैठता हूँ तो किसी की कुल की माता उस भैंस का दूध का पान करके आएंगे तो ताड़ भोगना पड़ेगा उनको, तो पितरों से कह दो कि भैंस का दूध का पान ना करके आए। इसलिए भैंस के दूध की बनी हुई चीज़ें श्राद्ध पक्ष के भोजन में नहीं बनाई जाती। खीर बनाएं या कोई मिठाई बनाएं तो वो गाय के दूध की हो। यदि आप बाजार से मिठाई लाते हैं तो उसकी भी पता होना चाहिए कि वो किस दूध की बनी है। इसलिए आप घर में ही नारियल पाक बना लें या कुछ और बना लें, गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें बना लें, पर भैंस के दूध का इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता हो। वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।